hello hi everyone hope you are keeping well this is vishal masi and you are watching my channel economic side so today i will explain you the budget line it is very very important for the cbse and isc 12th class students usually it, it is asked for 3 to 3 marks and even it is also asked for the 2 marks which carry the definition so in 2 marks you usually have to write only the definition of the budget line here i will explain the question according to the 3 marks so as per the questions demand you can draw your notes or the answers so we'll start here so what is budget line actually so budget line is a first we'll go with the definition okay budget line is a straight line that slopes downwards and consists of all possible okay all possible of all possible combination of two goods which a consumer can buy at a given price by allocating his or income ओके सो आई लेट मी एक्सप्लेन बाय बाई सेल्फ मैं आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करता हूँ उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा देखिए मैं आपको जो इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके शेड्यूल से ही रटा दूंगा तो देखिए इसमें होता है क्या एक्चुअली व्हाट इज़ बजट लाइन ओके बजट लाइन एक ऐसा कर्व होता है जो कॉम्बिनेशन होता है कॉम्बिनेशन होता है किसी दो गुड के ठीक है दो गुड या कॉमोडिटी के यहाँ पर जैसे इन्होंने जेल पेन और एक ब्लू और आपने जेल पेन और एक डॉट पेन ले रखा है ठीक है इन दो कॉमेडिटीज का इन दो कॉमेडिटिस का एक कॉम्बिनेशन ले रखे हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन ए बी सी डी हर एक कॉम्बिनेशन में आप दोनों कॉमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी खरीदोगे ठीक है और आपको एक बजट दिया जाएगा फाइन आपको एक बजट दिया जाएगा ये बजट आपका फ़िक्स होगा इट विल बी द फिक्स्ड इनकम ओके ये चेंज नहीं होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिफ्टी है तो आप देख सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन में आपके फिफ्टी रुपीज़ आपको स्पेंड करना यहाँ पर कंपलसरी है और आपको ना इधर आप इसमें से रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट ना आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं मीन्स एक फिक्स्ड इनकम है जो आपको स्पेंड करनी ही होगी तो यह हमारा एजम्पन है तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे ठीक है बजट लाइन ओके बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इट इज़ अ कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ओके इन विच ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स ओके विद अ गिवन बजट और इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशनस होते हैं दो गुड के आपके ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं दो, दो गुड्स के ठीक है ये दो गुड्स हैं आपके और इन कॉम्बिनेशन के अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं और दोनों कॉमोडिटीज़ के आपको प्राइस दिया गया होता है और आपके एक फ़िक्स जो इनकम है या आपका बजट आप जिसे बोल सकते हैं वो बता दिया गया होता है तो इसी को आपको डेफिनेशन में लिखना है फाइन तो आपको इससे बजट शेड्यूल और बजट जो कर्व जो बजट कर्व या बजट लाइन की जो डेफिनेशन है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी ओके तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया तो आप इसमें से और भी कोई शेड्यूल अपनी तरफ से भी ले सकते हैं जो आपके बुक अदर बुक्स में दिया होगा ओके okay, अब आ जाते हैं डायग्राम पे देखिए बेसिकली आपको जो डायग्राम है ना आपका आपको जो आपके जो ऊपर पॉइंट्स हैं ठीक है जो आपके जो ऊपर पॉइंट्स हैं ये वाले पॉइंट्स हैं जो आपके ठीक है ऑल दिस पॉइंट्स दिस पॉइंट्स ओके दिस पॉइंट्स यू हैव टू शो इन द ग्राफ यू हैव टू शो इन द ग्राफ़ सो so, और जो ऊपर का शेड्यूल है आपको डायग्राम में शो करना है तो सबसे पहले आपको देखिए डेफिनेशन लिखनी है फिर आपको डायग्राम मतलब उस, उसका शेड्यूल बनाना है और फिर आपको उसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम में आप देखिए जेल पेन यहाँ लिख लेंगे और डॉट पेन यहाँ लिख लेंगे दोनों की क्वान्टिटीज़ जो कॉम्बिनेशन हम खरीद रहे हैं देखिए ए कॉम्बिनेशन पर क्या क्या है आपका ठीक है ए कॉम्बिनेशन में आपका जो डॉट पेन है आपके ज़ीरो हैं आप बिल्कुल डॉट पेन नहीं ख़रीद रहे ठीक है आप सिर्फ सॉरी इसमें आप क्या कर रहे हैं सिर्फ डॉट पेन खरीद रहे हैं ठीक है ऑनली ओनली यू आर बाइंग द टेन डॉट पेनस एंड जीरो आपका जेल पेन जो जेल पेन है आपकी जीरो क्वान्टिटी है एट बी कॉम्बिनेशन ओके एट द बी कॉम्बिनेशन एट द बी कॉम्बिनेशन देखिए एट आपके क्या है डॉट पेन है और वन क्या है आपका जेल पेन है ओके एट सी कॉम्बिनेशन आपके सिक्स आपके डॉट पेन हैं टू आपके क्या है जेल पेन्स हैं ऐसे डी कॉम्बिनेशन में फ़ोर आपके डॉट पेन हैं और थ्री आपके जेल पेनस हैं एट ई कॉम्बिनेशन ऐसे ही और ऐसे ही एफ़ कॉम्बिनेशन ये एक्सट्रीम पॉइंट है आपके ए और आपके जो एफ होता है एक्सट्रीम पॉइंट बोला जाता है क्योंकि इसमें आपका ए कॉमिडिटी जो ए कॉमिडिटी किसी दोनों में से हंड्रेड परसेंट आपकी ज़ीरो के बराबर होगी यहाँ पर आपकी क्या जेल पेन जीरो थी ठीक है इस पॉइंट पे और यहाँ पर आपकी क्या डॉट पेन आपकी ज़ीरो है क्योंकि सिर्फ आप जेल पेन ही ख़रीद रहे हो पाँच ठीक है आप सिर्फ जेल पेन पाँच खरीद रहे हो आप जो डॉट पेन है इसमें ज़ीरो क्वान्टिटी बाई कर रहे हो फाइन तो यही चीज़ हमने इसमें क्या शो कर दी आपके एक ग्राफ में तो इसमें ये जो कर्व देख रहे हैं आप ए से ले कर बी तक ए से ले कर सॉरी एफ़ तक जिसमें आपके बी सी डी और ई e पॉइंट्स आ रहे हैं इसके बीच में इस कर्व को ओके okay, ए से लेके आपके एफ़ के कर्व को क्या बोलेंगे हम बजट लाइन तो ये होती है हमारी बजट लाइन और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ठीक है फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है क्योंकि जब आप इसको जब गेन करोगे तो इसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसको गेन करने के लिए आपको जेल पेन की क्वान्टिटीज़ को गेन करने के लिए आपको डॉट पेन्स के क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड है और इन सारे कॉम्बिनेशन को देखिए ए बी सी डी ई एफ इनका टोटल जो खर्चा होगा वो रुपीस फिफ्टी के बराबर ही होगा रुपीज़ फिफ्टी के बराबर ही होगा तो जो कि हम वो भी देख लेते हैं देखिए आप ठीक है अब ये देखिए जो कॉम्बिनेशन ए है कॉम्बिनेशन ए में क्या करता है वो जीरो ख़रीदता है जेल पेन और पाँच और पाँच रुपये के हिसाब से टेन जो है आपके क्या है डॉट पेन्स खरीदेगा तो हम सिंपली जब आपके यहाँ पर टेन डॉट तो पेन्न देखिए टेन, टेन इंटू फिफ्टी कितना हो गया आपका फ़िफ्टी हो गया क्योंकि यहाँ पर जीरो वो जेल पेन ले रहा है तो जीरो इंटू टेन करोगे आप तो जीरो इंटू टेन करोगे तो आपका क्या जीरो आएगा एंड फाइव इंटू टेन फिफ्टी आएगा अच्छा दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या कर रहा है वो एक जेल पेन खरीद रहा है और कितना खरीद रहा है एट डॉट पेन तो यहाँ पर एट को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे फ़ाइव से देखिए एट फाइव फोर्टी और टेन और आप और वन क्वांटिटी जो इसने जेल पेन के लिए जिसका प्राइस आपका टेन है तो उसको आपने टेन से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि फिफ्टी आया तो इन आपको कॉम्बिनेशन ही ऐसे लेने हैं कि जिसमें आपका जो है आपका जो टोटल आपकी जो क्या कह सकते हैं आपका जो बजट है या इनकम है वो फिफ्टी ही आना चाहिए उस हिसाब से हमने पॉइंट्स लिए हैं ठीक है तो आप इस हिसाब से पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं ओके इस हिसाब से जो दो पॉइंट्स हैं इनको आपको याद रखना है और इनका जो इस हिसाब से जो बजट है वो इतना फिफ्टी ही बैठना चाहिए आपका फिफ्टी ही बैठना चाहिए ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है ओके दूसरी बात है कि एक चीज़ और आए है इसका जो स्लोप होता है देखिए स्लोप होता है जो बजट लाइन का स्लोप होता है देखिए वो क्या होता है वो होता है आपका पी एक्स ओवर पी वाई ठीक है वो उसका बजट बजट लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे आप पी एक्स ओवर पी वाई तो पी एक्स आपका कितना है ठीक है देखिए पी एक्स कितना है यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं आपको देखिए पी एक्स कितना है आपका प्राइस ऑफ जेल पेंस कितना है आपका ठीक आप है थीके? प्राइस ऑफ जेल पेन आप देखिए यहाँ पर आपका टेन है ठीक है प्राइस ऑफ़ जेल पेन आपका टेन है मतलब प्राइस ऑफ एक्स हमारा कितना है पी एक्स हमारा कितना है टेन और पी वाई कितना है हमारा आपका फाइव ठीक है पी वाई हमारा फाइव है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो स्लोप होता है इसका स्लोप विल बी आपका पी एक्स ओवर पी वाई ठीक है पी एक्स ओवर पी वाई ठीक है तो वो आपके किसके बराबर आने वाला है देखिए पी एक्स की वैल्यू कितनी आपकी टेन है और आपकी जो पी वाई की वैल्यू कितनी है फाइव है तो कितनी आगे? Slope आ गया आपका स्लोप टू आ गया ठीक है स्लोप इज़ टू सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू ओके फाइन होप इट इज़ क्लियर टू यू थैंक यू सो मच